हेलो एवरीवन, मैं आरती आरती राजपूत की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ पनीर रोल। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप आटा ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से छान के ले लिया है मैंने। इसमें बिल्कुल भी जंग्स नहीं है और आप छान के लीजिए आटा। और एक कप ही मैदा ले लिया है, इसको भी हमने छान के ले लिया है। छान के आसान साफ़ करके अच्छे से ले लिया है मैंने। और ये हाफ़ टेबल स्पून लगभग इसमें नमक डाल दिया है मैंने। और नमक डाल के और ये पानी से हम लोग जैसे आटा लगा लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे सॉफ्ट आटा लगाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाएंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे, ज़्यादा मीडियम साइज़ में लगाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक कप ही पानी लगेगा मेरा, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा इसमें। और इस टाइप में ही हम लोग इसे आटा लगा के रेडी कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फाइन डो बना के रेडी कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, आई इसको हम लोग इस टाइप में हाथों से मिक्स करके, और ये लगभग मेरा पूरा पानी यूज़ हो चुका है और हमारा आटा भी, ये देखिए इस टाइप में ये बिल्कुल डो बन के रेडी हो चुका है। और 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, इसका स्टफिंग बना लेते हैं। आइए, ये मैंने पैन में 2 चम्मच लगभग ऑयल डाल दिया है मैंने, और ऑयल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो चुका है। और ये मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, ये हरी मिर्च और लहसुन है, और ये हरी शिमला मिर्च है। आपको और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसमें हम लोग लहसुन और हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। और ये देखिए, और इसे हम लोग जब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाएगा। और आप और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं शिमला मिर्च वगैरह शिमला मिर्च से बना रही हूँ। इससे भी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है हमारा। और ये देखिए, हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ प्याज, इसको भी फाइन मैंने चॉप कर लिया है, लंबा लंबा काट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में प्याज को काट सकते हैं और कैसे इस टाइप में। और इसका भी अच्छा हम लोग इसे पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जिसे हल्का कच्चा रहने देंगे और हल्का पका लेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे प्याज को नहीं पकाएंगे। और ये देखिए, अच्छी तरीके से हमारा प्याज में जो कच्चापन था वो निकल गया है। और ये जो शिमला मिर्च हमने इसे लंबा लंबा काट के और इसको भी हमने ऐड कर दिया है। आप इसमें और भी सब्जियां अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए, इस टाइप में हमें इसे भी इस टाइप में चला लेना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, और 1 टेबल स्पून लगभग हम लोग लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने इसे, इससे थोड़ा कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अब मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी मसाला भी। और 1 टेबल स्पून इसमें लगभग ब्लैक पेपर डाल दिया है मैंने, काली मिर्च डाल दिया है मैंने। और इसे अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि हमने और ये सेजवान चटनी है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और इसका 10 रुपये का पाउच भी आता है, इसमें 2 टेबल स्पून हम लोग लगभग इसमें सेजवान चटनी ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। सेजवान चटनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है, आप आसानी से आपको ये मार्केट में मिल जाता है। और ये देखिए, अच्छी तरीके से पक चुका है। 1 टेबल स्पून लगभग सोया सॉस डाल दिया है, सोया सॉस डालने से थोड़ा सा तीखापन आता है और टेस्ट लगता है। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल दिया है, अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। और इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस टाइप में। देखिए कलर कितना प्यारा आ चुका है ना हमारा, रेड चिली वगैरह सॉस में डाला था हमने, उससे कलर बहुत प्यारा आता है। और ये देखिए, अच्छी तरीके से हमारा ये पक चुका है। और ये मैंने 150 ग्राम पनीर को इस टाइप में काट के चॉप करके इस टाइप में ले लिया है, लंबा लंबा। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे भी काट सकते हो, मैंने थोड़ा लंबा लंबा लिया है और इस टाइप में कट करके ले लिया। और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आइए चेक कर लेते हैं, हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और रेडी हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा हम लोग बड़ा ही डो लेंगे, क्योंकि हमें इसे लच्छा पराठा बनाना है, लच्छा पराठा प्लस रोल दोनों ही आपको बनाना आ जाएगा आज की रेसिपी देख के। और इसमें थोड़ा सा मैदा का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा भी आप ले सकते हैं। और इसे किसी भी शेप में आप बेल लीजिए, इस टाइप में देखिए, गोल गोल सा इस टाइप में आप बेल लीजिए। और इसे ये देखिए, हमारा अच्छी तरीके से बेल चुका है,
ज़रूरी नहीं है, आप इसे गोली बेले कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमें इसे लच्छा पराठा बनाना है और इसीलिए हम इसे शेप दे रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ऊपर से ऑयल को ऐड कर लेंगे और इस टाइप में थोड़ा सा आगे, पहले आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, जैसे पेपर फैन बनाते हैं ना हम लोग, उस टाइप में आपको ये बनाना है। लच्छा पराठा बनाना बहुत ही आसान है, इस टाइप में लंबा लंबा करके और इस टाइप में लंबा लंबा करके और राउंड राउंड करके, ये देखिए, और बीच में हम इसे डाल देंगे और इसे हाथों की मदद से दबा लेंगे। और ये देखिए हमारा लच्छा पराठा का स्टाइल बनके रेडी हो चुका है। थोड़ा सा सूखा आटा और डालेंगे और इस टाइप में हम इसे बेल के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए लाइनिंग बन रही है ना आपको, ये बिल्कुल लच्छा पराठा रेडी होता है बनके, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर बनके रेडी होता है और बहुत ही कुरकुरा बनके रेडी होता है। जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये देखिए इस टाइप में हम लोग इसे बेल के रेडी कर लिया है हमने, इस टाइप में, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये सारे बेल के हम लोग रेडी कर लेते हैं और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। और ये मैंने और भी बेल लिए थे, लगभग 2 पराठे हमने रेडी कर लिए हैं इसे बेल के। और ये ऐसे हम सेक लेते हैं। और ये मैंने पैन रख दिया है, इसको हम लोग डाल देंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। अगर गैस को आप हाई फ्लेम पे रखोगे तो ये थोड़ा सा कुरकुरा एंड टाइट हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप इसको थोड़ा सा गैस को लो फ्लेम पे रखोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा। ये ऊपर से मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है, नीचे से हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। इसमें बहुत ही कम ऑयल में बन के ये रेडी हो जाता है। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना लोग, कम ऑयल खाना पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है ये। और ये दोनों तरफ हमने इसमें ऑयल लगा लिया है, ये देखिए इस टाइप में ऑयल लगा के, और इसको हम अच्छी तरीके से दबा दबा के अच्छी तरीके से पका लेंगे। और सच में आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। आप अगर लच्छा पराठा इस स्टाइल में भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आप पनीर रोल बनाओ तो लच्छा पराठा आप ऐसे भी बना सकते हो। ये अच्छी तरीके से देखिए हमारा दोनों साइड से अच्छे तरीके से ये हमारे पक चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए। और लाइनिंग दिख रहा है ना आपको, मैंने लच्छा पराठा डिज़ाइन देखिए, ऊपर से आपको लाइनिंग दिख रही होगी। और ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक चुका है, और मैंने बिल्कुल गैस को लो फ्लेम पे ही रखा था, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं रखा। ये बन के रेडी हो गया है और इसमें हम लोग स्टफिंग को लगा देंगे। आप इसमें टमाटो केचप भी लगा सकते हैं नीचे, बन में टमाटो केचप ऊपर से खाने में मज़ा ज़्यादा अच्छा आता है। और ये मैंने इसे डाल दिया है और इसे हम लोग इस टाइप में रोल कर लेंगे, जैसे रोल होता है ना इस टाइप में रोल करके, और इसमें हम लोग टिश्यू पेपर हमने इसमें लगा दिया है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बन के रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर।